हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शोड ऑब्सर्स क्लासेस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सम क्वेश्चंस ऑफ योर एनिमल स्पेक्ट्रोस्कोपी और बेटर से ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो आपका पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर 18 एनिमल्स। सो हम लोग जानते हैं कि ये वाला आपका एडमेटिक है। सो आपका नंबर वन स्टेटमेंट करेक्ट है। सो नंबर ए अगर आपका करेक्ट है, इसका मतलब सी आपका करेक्ट नहीं हो सकता। अभी बी को देखते हैं। द इनर प्रोटोस रेजोनेट एट 9.28 इन द वन ईच एनिमल। नो, बी समथिंग लोअर इन द रेजोनेंस, सो बी आपका नहीं हो सकता। और देयर आर 6 प्रोटॉन्स इन द सेलुलर जोन, ये भी ट्रू है। सो आपका ए एंड सी विल बी द राइट आंसर। तो डी, नंबर डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जे वैल्यू निकालना है। सो जे वैल्यू कैसे निकालते हैं? जे वैल्यू का फॉर्मूला, पहले आपको इसका डिफरेंस निकालना है, 2.38 माइनस 2.35 इक्वल टू 0.03। इसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है 400 mg, तो आपका वैल्यू आएगा 12 mg। सिर्फ आपको डिफरेंस निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ये करोगे तो आप जे का वैल्यू इजीली निकाल सकते। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये जो क्वेश्चन है, ये आपका इसमें बोला गया कि कार्बोनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखना पड़ेगा। सो कार्बोनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एनहाइड्राइड, एमाइड एंड कीटोन। तो कार्बोनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कार्बोनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है आपका डिपेंड करेगा कि उस बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग। अभी आपका एनहाइड्राइड क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ, ओ ये है आपका एनहाइड्राइड। कीटोन है आपका ऐसा, और एमाइड है आपका NH2। अभी क्या होता है कि आपके पास एमाइड ये जो है, इसके पास स्ट्रॉन्ग माइनस है इफेक्ट। सो ये कार्बन, ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है अपने तरफ खींचेगा तो बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना दे। अभी यहां पे क्या होता है, NH2 में ये वाला इधर गिरेगा, इधर जाएगा, तो CO बॉन्ड को लिटिल बिट वीकेंड कर देता है। सो एनहाइड्राइड और कीटोन, इन दोनों के बीच में कौन आता है? बीच में आता है आपका कीटोन। सो आपका आंसर हो जाता है एनहाइड्राइड, कीटोन एंड एमाइड। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका डाइक्लोरोबेंजीन का मास स्पेक्ट्रम टू। सो देखो, बेंजीन का मास स्पेक्ट्रम में बेंजीन का टू टाइप्स का आइसोटोप आता है। एक आता है 35 और एक आता है 37, और इन दोनों का जो रेशियो है वो है 3:1। तो नॉर्मली क्या आना चाहिए? दोनों में ही अगर आपका ये 3 वाला रेशियो आया तो आएगा 9, उसके साथ एक में अगर आया तो आएगा 6, और उसके साथ आएगा 9। सो ये आपका आ जाएगा आंसर 9:6:1। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका एनिमल स्पेक्ट्रल डेटा से स्ट्रक्चर डिफरेंस जो डिडक्शन है वो। सो सबसे पहले आपके पास क्या है, 1H एनिमल भी है और 13C एनिमल भी। सो आपको 1H एनिमर अगर आपको डेटा निकालना है तो आप 1H एनिमर को देखते हैं। देखो 1H एनिमर में आपका पिक आ रहा है 1, 2, 3
थ्री पिक्स आर कमिंग इन द वन ईच एलिमेंट। तो अभी देखते हैं मतलब आप में कितना टाइप का प्रोटॉन है, थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। सो अभी प्रोटॉन को देखो, प्रोटॉन को देखते हैं कि कहां पे थ्री टाइप्स का है, कहीं पे थ्री टाइप्स नहीं होगा तो वो नहीं होगा आपका। सो ये वाले को देखते हैं, यहाँ पे इधर इधर यह है ए बी सी ए बी सी डी ई उधर डी। सो इसमें आपका फाइव टाइप, पांच टाइप का आपका प्रोटोन है। सो ये आपका नहीं होगा, यहाँ पे है वन टू थ्री फोर, फोर टाइप्स, ये भी आपका नहीं होगा, ए बी तो आपका नहीं हो रहा है। इसमें तो और भी ज्यादा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसमें है सिक्स टाइप। सो ये भी नहीं हो सकता। अभी ये देखो, इसमें है वन टू थ्री, थ्री टाइप। सो फ्रॉम द एनिमल स्पेक्ट्रा हम लोग बोल सकते हैं कि आपका ये वैल्यू आएगा, बाकी सारा जो भी वैल्यू है कुछ भी देखने को आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख के ही बोल सकते हैं कि ये क्या है। सो दीज आर सम क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।